लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। खरगोन जिले के गोगावा से चीन पढ़ाई करने के लिए गए दो छात्र कोरोना वायरस फैलने के कारण अपने घरों में फंस गए हैं। अब्दुल मतीन चीन के शियांग शहर में गत दो वर्षों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वहीं रोहित नायर होटल मैनेजमेंट के कार्य हेतु चीन के हुंगई शहर में गया हुआ है। अब्दुल मतीन खान से वीडियो कॉल कर जानकारी ली गई है। इसमें मतीन खान ने बताया कि हमारे साथ भारत से बहुत से छात्र मौजूद हैं जो इंडिया से पढ़ने के लिए आए हुए हैं। चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण पूरे शहर शियान में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही हमारे पास खाने पीने का सामान समाप्त हो चुका है। वहीं मतीन खान एवं रोहित के परिवार के लोगों ने मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार से अपील की है कि वह हमारे बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था कराए एवं उनको जल्द से जल्द भारत लाने के लिए गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मेरा बच्चा दो वर्ष पहले अब्दुल मतीन चाइना एमबीबीएस करने के लिए गया है। वहाँ इस वक्त जो कोरोना वायरल की वजह से जो परेशानी आ रही है, काफ़ी हालात ख़राब है वहाँ पर। मैं अपनी तरफ से बच्चे के अच्छे रहने की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी और मेरे बच्चे को भी वहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो जल्द जल्द बच्चों को लाने की वहाँ से कोशिश करें। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, खाने पीने की परेशानी है, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रही बच्चों को। मेरा ये भी निवेदन है भारत सरकार से कि बच्चों के पास किसी भी डॉक्टरों को भेजकर उनकी भी निगरानी में उनको भी रखा जाए। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ से ज़िंदा आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो हमको सुनकर बहुत दर्द हो रहा है कि क्या करें, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ से। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।